मेरठ में एक प्रेमी जोड़ी ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस से गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि प्रेमी युगल का काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके बाद प्रेमी युगल ने बीते 7 जून को मुस्लिम रीति रिवाजों से निकाह कर लिया। जानकारी के अनुसार लड़की के घर वाले अपनी बेटी की शादी कहीं और कराना चाहते थे, लेकिन उनकी बेटी ने अपने प्रेमी के साथ शादी कर ली। परिवार वालों की धमकी से डरे सहमे प्रेमी युगल ने मेरठ के SSP ऑफिस पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगाई। इस दौरान दोनों ने परिवार वालों से अपनी जान का खतरा बताया। लड़की के पति का कहना है कि उसके परिजन दोनों की हत्या करा सकते हैं, जिसके चलते उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की मांग की। मामला क्या है? पति जी ना, क्या शादी कब करी, कैसे हुई है? शादी कब करी? 7 तारीख को निकाह किया। तो पहले भी शादी हुई थी लड़की की? नहीं, वो बता रही थी कि किसी बुजुर्ग से शादी कर दी थी। नहीं, वो घर वाले कर रहे थे। तो लड़की ये कह रही है कि उसके पिता उसे बेचना चाह रहे थे, ऐसा कुछ मामला है क्या है? हाँ, मतलब वो डर के मारे आ गई, मतलब घर वाले कहीं और शादी कर रहे थे, पैसे के लालच में। अच्छा जी। तो अब तुम क्या चाहते हो? मेरी पत्नी, मेरी पत्नी है, मेरे साथ रहेगी। आपको बता दें कि प्रेमी युगल के SSP ऑफिस पहुंचने की सूचना मिलते ही लड़की के घर वाले वहां भी पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने SSP ऑफिस में ही हंगामा करने की कोशिश की। हालांकि मौके पर मौजूद अधिकारियों ने परिवार वालों को ऑफिस से निकलवाया और उन्हें प्रेमी युगल को परेशान नहीं करने की हिदायत भी दी गई। फिलहाल SSP ऑफिस की तरफ से लड़का और लड़की को सुरक्षा का आश्वासन दिया गया है। मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।